कार्बन उत्सर्जन घटाने के प्रयास के तहत अब नए ईंधन के रूप में मेथनॉल को विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। मेथनॉल का उत्पादन प्राकृतिक गैस, कोयला व बायोमास जैसे संसाधनों से किया जा सकता है, लेकिन भारत में कोयले से इसके उत्पादन की योजना बनाई जा रही है। कोयले से उत्पादित मेथनॉल गन्ने व अन्य अनाज से उत्पादित एथेनॉल से भी काफी सस्ता होगा। घरेलू स्तर पर खपत होने वाले मेथनॉल का 90% आयात किया जाता है। वित्त वर्ष 2018-19 में घरेलू स्तर पर 70 करोड़ डॉलर मूल्य के मेथनॉल का आयात किया गया और हर वर्ष 7% की दर से इसकी घरेलू खपत बढ़ रही है। फिलहाल विभिन्न प्रकार के केमिकल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में मेथनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। नीति आयोग की तरफ से हाल ही में मेथनॉल को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 155 अरब टन कोयले का सुरक्षित भंडार है। कोयला खपत की मौजूदा दर से यह भंडार खत्म होने में 140 वर्ष लग जाएंगे। दूसरी तरफ कोयले के गैसिफिकेशन से मेथनॉल, फॉर्मलिहाइड, एसिटिक एसिड, अमोनिया जैसे कई उच्च मूल्य वाले उत्पादों का उत्पादन किया जा सकता है। अभी भारत खाड़ी देशों से मेथनॉल का आयात करता है। हालांकि अभी देश में कोयले के गैसिफिकेशन के लिए कोई प्लांट नहीं है, लेकिन कोयला खदान के व्यावसायिक इस्तेमाल की सरकारी मंजूरी के बाद इस दिशा में संभावनाएं दिखने लगी हैं। एथेनॉल को मिल सकती है टक्कर। एथेनॉल नीति आयोग की रिपोर्ट के एक अनुसार एथेनॉल का उत्पादन गन्ना, मक्का व अन्य अनाज से किया जाता है, जिससे खाद्य सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं। गन्ने के उत्पादन में पानी का भी अधिक उपयोग होता है। एक संभावना यह भी है कि एथेनॉल के लिए गन्ने के अधिक इस्तेमाल से चीनी का उत्पादन प्रभावित हो सकता है। कोयला मंत्रालय की रिसर्च के मुताबिक कोयले के गैसिफिकेशन से उत्पादित मेथनॉल की कीमत 22 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम या 17.5 से 19.8 रुपये प्रति लीटर रहने का अनुमान है। वहीं एथेनॉल की कीमत देश में 45.69 रुपये से 62.65 रुपये प्रति लीटर चल रही है। सरकारी टैक्स के बाद भी मेथनॉल के दाम एथेनॉल से कम रहेंगे। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।